गाइस, मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल कार्स के बीच में मैं फाइट कराने वाला हूँ। यहाँ पर है मेरे पास पहली वाली कार, ये है डब्ल्यू अल्टोज 144001, पूरी तरीके से 4x4 कार है। ये दूसरी वाली कार है रेमो एक्स मैक्स वाटर प्रूफ RC कार है। चलो गाइस, फटाफट से इन दोनों के बीच में कराते हैं फाइट। देखते हैं इस दोनों में से आज की फाइट में कौन सी कार जीतती है। पहले दोनों को अनबॉक्स करते हैं। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, इधर व्यू प्रोडक्ट दिखाई देगा, उसके बाद आपको ब्राउज प्रोडक्ट्स बोलकर बहुत सारी चीजें दिखाई देगी, वहीं से जाकर आप इसका प्राइस चेक कर सकते हो। इसका खरीदने का एक और लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है Amazon का। इस तरह के बॉक्स में जो है रिमोट पैक होकर मिलता है। नॉर्मली जिस तरह के डब्ल्यू अल्टोज के रिमोट्स होते हैं ना गाइस, बिल्कुल उसी तरह का रिमोट है। दो नॉब्स यहाँ पे मिलते हैं, एक स्टीयरिंग कंट्रोल करने के लिए, एक स्पीड कंट्रोल करने के लिए। ऊपर की तरफ इस तरह का डिजाइन मिल जाता है। अभी इसकी बैटरी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक ही बैटरी आपको दिखा रहा हूँ। इस कार के साथ जो है दो बैटरीज मिलती है, 2600 mAh 7.4 वोल्ट की बैटरी है। बैटरी का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अभी निकालते हैं हमारी कार को। अगर गाइस आपको याद होगा तो ये जो हमारी कार है ना यार, एक बार डैमेज भी हो चुकी थी। मैंने इसके सारे के सारे जो पार्ट्स है ना रिप्लेस करके नई नवेली बना दिया है। जैसे कि इसके व्हील्स भी देख सकते हो, नए जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, पर ये पुराने वाले व्हील्स हैं गाइस, क्योंकि इसके व्हील जो है ना जरा बराबर भी खराब नहीं हुए अभी तक। प्योरली रेसिंग व्हील्स मिल जाते हैं। यहाँ पर एंटी कोलिशन बम्पर दे रखा है। ये जो आपको रेड कलर का पार्ट दिख रहा है, मैंने बहुत दिन पहले इसको रिप्लेस करके ये चेंज किया था। इसका ये जो नीचे का पार्ट है पूरा का पूरा टूट गया था यार, जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था। प्योरली ये जो कार है बग्गी टाइप RC कार है। फटाफट से इसके पार्ट्स दिखा देता हूँ। ये देखो, इसके साथ मिलती है 540 की मोटर। मोटर का साइज देखो कितना ज्यादा बड़ा दे रखा है। 2-in-1 ESC इस तरफ लिखा है। ये कार बिल्कुल भी वाटर प्रूफ है नहीं। मैं इसको फिर भी आज देखो गाइस वाटर में चलाने वाला हूँ। देखते हैं वाटर में यह कार टिक पाती है या नहीं। ये रही रेमो एक्स मैक्स का। यहां से हमारी कार को निकाल लेते हैं बाहर और इस डिब्बे को मैं रखता हूं साइड में। ये डिब्बा कुछ अजीब किस्म का पैक कर रखा है भाई साहब इन लोगों ने। देखो यार, बहुत सारी चीजें मिलती है इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पर इसकी बैटरी और चार्जर है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी यूजर गाइड। देखो गाइस इतनी मोटी मिल जाती है भाई साहब, क्या ही पढ़ना चाहिए इसके अंदर, मेरे को कुछ समझ में आया नहीं। इस तरह का एक अडेप्टर मिल जाता है चार्ज करने के लिए, और ये रहा इसका चार्जर। और गाइस यहाँ पर है इसकी बैटरी। बैटरी देख लेते हैं, 1600 mAh 7.4 वोल्ट की लायन बैटरी दे रखी है। और इसके कुछ एक्स्ट्रा टूल्स वगैरह मिल जाते हैं, और यहाँ पर कुछ LN की भी मिल जाते हैं इसके अंदर। भी निकालते हैं यहाँ पर से हमारी कार को। देखो गाइस, दिखने में एकदम नॉर्मल सी कार दिखाई देती है, पर ये जब चलती है ना गाइस, आप खुद देखो हैरान रह जाओगे इसकी स्पीड और इसकी परफॉर्मेंस देखकर। अभी दिखाता हूँ मैं इसका रिमोट। ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर। रिमोट का साइज देखो यार कितना ज्यादा बड़ा दे रखा है। और इसकी ये जो स्टीयरिंग है ना, डुअल स्टीयरिंग इसके अंदर मिल जाती है। ये जो स्टीयरिंग है आप चाहे तो इस तरफ भी लेके आ सकते हो, बस इस तरह से प्रेस करना है, इस तरफ आ जाएगी। अगर मान लो आप लेफ्ट हैंडेड हो तो इस तरह से चला सकते हो। इसके और भी मेन फीचर्स है, देख रहे हो, 1, 2, 3, 4 नॉब्स मिल जाते हैं, एक ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है, यहाँ पर एक बाइंड का बटन भी इसके अंदर मिल जाता है। अभी रेमो एक्स मैक्स की मैं आपको पार्ट्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर मिलती है इसके अंदर 320 मोटर, इसके अंदर मिलती है 540 मोटर। आप सोचोगे ये कितनी स्पीड से दौड़ेगी। यहाँ पर इसका 2-in-1 ESC, ये पूरी तरीके से वाटर प्रूफ है और इसके ऊपर लिखा हुआ भी है। व्हील्स की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा दमदार मेरे को लगती है। व्हील्स का साइज रेमो एक्स मैक्स का थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लग रहा है, और इसके व्हील जो इसके मुकाबले में थोड़े से चौड़े भी है, क्योंकि ये ऑफ रोड में चलने वाली कार है और ये रोड पर दौड़ने वाली कार है। चलो गाइस अभी चलते हैं बाहर, फटाफट से कराते हैं दोनों के बीच में फाइट। देखते हैं गाइस दोनों में से आज कौन सी कार जीतती है। लेट्स गो एंड फाइट। सबसे पहले डब्ल्यू अल्टोज 144001 को टेस्ट करते हैं। ये कार इंस्टेंट थ्रॉटल रेस्पॉन्स के साथ आती है, बहुत ज्यादा क्विक स्पीड पकड़ लेती है। यार ब्रेक लगा नहीं इस बार, देखते हैं एक और बार ब्रेक लगाकर ब्रेक्स काम भी कर रहे हैं या नहीं। इस बार देखो बहुत परफेक्ट तरीके से इसका ब्रेक लग चुका है। ये कार हाई स्पीड में भी बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल भी हो जाती है। अभी टेस्ट करते हैं रेमो एक्स मैक्स को। इसके अंदर एक कूल फीचर है, ये नॉब को हम थोड़ा सा राइट को घुमाएंगे तो कार अपने आप ही रिवर्स चलने लगी है, जैसे कि देख सकते हो। इसको थोड़ा सा लेफ्ट की ओर करेंगे तो कार फॉरवर्ड होने लगती है, कुछ करने की जरूरत नहीं है गाइस, कार ऑटोमेटिक तरीके से खुद ही चल जाती है। अब इसकी कंट्रोलिंग और ब्रेक्स वगैरह भी टेस्ट करके देख लेते हैं गाइस। नो डाउट ये कार भी जो है बहुत फास्ट तरीके से चल सकती है, और इसका भी जो रेस्पॉन्स है बहुत ही ज्यादा इंस्टेंट दे रखा है, क्योंकि इसका रिमोट ही इतना ज्यादा कमाल का है। रिमोट के अंदर एक छोटी सी दिक्कत मेरे को लगती है, बीच बीच में कभी कभी इसके अंदर लैग आने लगता है, बाकी ब्रेक्स वगैरह इसके भी परफेक्ट तरीके से लग रहे हैं। अभी कराते हैं दोनों के बीच में स्पीड टेस्ट, देखते हैं दोनों में से इस रेस को कौन जीता है। अभी मैं दोनों को सेम स्पीड पे चला रहा हूं, अभी दोनों के अंदर अचानक से फुल ट्रिगर दबाऊंगा, देखते हैं कौन आगे निकलता है। यहाँ पर डब्ल्यू टॉय 144001 अचानक से स्पीड पकड़ चुकी है। देखोगे जिसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर तक बहुत इजीली पहुंच सकती है। एक्स मैक्स की स्पीड मेरे को 60 किलोमीटर पर आवर लग रही है।
एस्पेक्ट यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही है डब्ल्यू एल टॉयज को कैच करने के लिए, पर डब्ल्यू एल टॉयज बहुत ही ज्यादा स्पीड से दौड़ने लग रही है। क्लियरली यहाँ पर रेस को जीत चुकी है डब्ल्यू एल टॉयज 144001। अब इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर भी करा के देख लेते हैं गाइस, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। यहाँ पर दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो चुकी है, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने में लगे हुए। डब्ल्यू एल टॉयज देखो यार विली मार रही है, ओ माय गॉड, पर एस्पेक्स कुछ कम है नहीं गाइस। देखो एस्पेक्स यहाँ पे पूरी तरीके से डब्ल्यू एल टॉयज को रोके हुई है। दोनों के बीच में यहाँ पे टाई हो चुका है। अभी दोनों के बीच में पुशबैक भी करा के देख लेते हैं, वापस यहाँ पे टाई होता है या फिर कोई एक यहाँ पर जीतता है। यहाँ पे अचानक से डब्ल्यू एल टॉयज ने देखो यार एस्पेक्स को सामने की तरफ से उठा के रख दिया है और एस्पेक्स को धीरे धीरे पीछे ढकेल रही है। मेरे को लग रहा है एस्पेक्स नीचे गिरने वाली है, ओ माय गॉड, डब्ल्यू एल टॉयज ने इसको एक धक्का मारकर पलट के रख दिया गाइस। क्लियरली यहाँ पर डब्ल्यू एल टॉयज जीत चुकी है पुशबैक में। दलदल वाला टच करेंगे गाइस, इसको कीचड़ में मैंने उतार दिया है। यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब टू मच कीचड़ है गाइस आज तो। देखो यहाँ पर अभी फंस चुकी थी मैंने इसके लिए, थोड़ा सा थर्टल देकर इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया है। वापस से मेरे को लग रहा है गाइस ये फंसने वाली है। ओ भाई साहब फुल पावर भी मैंने बढ़ा दिया, देखो गाइस इसको जितना पावर मैं दे रहा हूँ इसके पीछे के व्हील्स है उतना ही ज्यादा कीचड़ के अंदर धस रहे हैं। ओ भाई साहब पूरी की पूरी कीचड़ के अंदर फंस चुकी है अपनी कार। अभी टच करते हैं डब्ल्यू टॉयज 144001 को, देखते हैं ये किस तरह से चलती है। ओ माय गॉड ये कार तो बिल्कुल भी वाटरप्रूफ है नहीं यार, फिर भी एस्पेक्स वाटरप्रूफ थी, वो थोड़ा बहुत चल रही थी गाइस। देखते हैं ये कितना चल पाती है। यहां पर ऑलमोस्ट पूरी की पूरी कार जो है कीचड़ के अंदर फंस चुकी थी। यार मेरे को लग रहा है कि इसके अंदर पावर ज्यादा होने के कारण बहुत आसानी से कीचड़ में से भी निकल रही है। देखो गाइस ऑलमोस्ट ये किनारे पर पहुंच चुकी है, क्लियरली यहां पर जीत चुकी है डब्ल्यू एल टॉयज आरसी का। अभी एक यूनिक टेस्ट करते हैं गाइस हम लोग। देखो ऊपर की बाल्टी में पानी है, नीचे की बाल्टी खाली रखी है मैंने। अभी इसको टक्कर मारकर गिराने की कोशिश करते हैं एस्पेक्स से। अरे भाई टक्कर तो मारी थी मैंने, टक्कर प्रॉपर तरीके से नहीं लगी यार। दूसरी बार ट्राई करते हैं। ये देखो भाई दूसरी टक्कर में ऊपर की बाल्टी गिर चुकी है और सारा का सारा जो पानी है रेमो एस्पेक्स के ऊपर गिर चुका है। अभी सेम टेस्ट करते हैं डब्ल्यू एल टॉयज 144001 के साथ, देखते हैं गाइस ये कितने टक्कर में ऊपर की बाल्टी को गिरा पाती है। यहां पर स्टार्ट कर दिया मैंने, भाई साहब काफी परफेक्ट टक्कर थी और सारा का सारा पानी जो है एक टक्कर में इसने नीचे गिरा दिया। तो यहाँ पर डब्ल्यू एल टॉयज जीत चुकी है। अभी वेट पुश टेस्ट करते हैं। स्केटबोर्ड के ऊपर ढेर सारी ईंटें मैंने जमा दी है, इसके पीछे है डब्ल्यू एल टॉयज। यहाँ पर पानी होने के कारण इसका जो व्हील एंड आर थोड़ा सा स्किड कर रहा था। अभी देखो इसने प्रॉपर तरीके से स्पीड पकड़ ली थी पर ये ओवर हीट होने के कारण रुक चुकी है, बिल्कुल भी नहीं चल रही है। अभी रेमो एस्पेक्स को ट्राई करते हैं गाइस, देखते हैं इतना सारा वेट ये पुश कर पाता है या नहीं। यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा है। ओ भाई साहब इसके शॉक एब्जॉर्बर देखो यार इस तरह से नीचे की तरफ दब रहे हैं और ये बहुत इजी तरीके से पुश भी कर रहा है गाइस बिना कोई दिक्कत के। तो क्लियरली यहाँ पर रेमो एस्पेक्स आरसी कार जीत चुकी वेट पुश के टेस्ट में। तो यहाँ पर एक और बहुत खतरनाक वाला टेस्ट करते हैं गाइस। यहाँ पर देखो मैं इन दोनों को गड्ढों में चलाने वाला हूँ, देखते हैं गाइस किस तरह से चल पाती है। कि ग्राउंड क्लीयरेंस कम होने के कारण इसके सामने जैसे ही बड़े गड्ढे आते हैं ये थोड़ा सा फंस जाती है, जैसे हम इसके अंदर स्पीड बढ़ाते हैं तो ये निकल भी जाती है। अभी सेम टेस्ट करते हैं डब्ल्यू एल टॉयज 144001 के साथ। इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस एस्पेक्स से थोड़ी सी ज्यादा दी गई है तो ये बिल्कुल भी गड्ढों में फंसती नहीं है, प्रॉपर तरीके से चल जाती है। दोनों के बीच में यहाँ पर टाई हो चुका है। अभी रैंप जंप टेस्ट कराएंगे गाइस दोनों कार्स के साथ, देखते हैं गाइस कौन सी कार दूर तक जंप मार पाती है। यहाँ पर डब्ल्यू टॉयज ने जंप लगा दिया है, देखते हैं सही तरीके से लैंड कर पाती है या नहीं। ओ भाई साहब लैंड करने ही वाली थी पर अचानक से पलट चुकी है। सेम टेस्ट करेंगे एस्पेक्स के साथ, इसने जंप तो लगा दिया भाई साहब, ओ माई गॉड दो चक्कर खाकर अभी ये परफेक्ट तरीके से यहाँ पर लैंड हो चुकी है। तो क्लियरली यहाँ पर एस्पेक्स जीत चुकी है। एस्पेक्स आरसी कार एक चीज कर सकती है जो कि डब्ल्यू टॉयज नहीं कर सकती, रिवर्स ड्रिफ्ट मार सकती है रेमो एस्पेक्स, ये चीज डब्ल्यू टॉयज बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इन दोनों कार्स में से कौन सी कार पसंद आई। चलो अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। पहला नाम आ जाता है अरविंद राज, धीरज, करण सिंह, इब्राहिम, भूपेश, अंगद, निश्चल, प्रशांत, अंशु, प्रांजल। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।